है कि इसका लोड लिमिट क्या होगा। कोई भी स्लिंग है या साइकिल है तो ये कितना लिफ्ट कर पाएगा, सबसे ज़्यादा लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो किसी भी हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकिल्स के बारे में। हम जानेंगे साइकिल से जुड़े कुछ सेफ्टी पॉइंट्स। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूं वो सबसे पहले आप देख पाए। ये जो आप साइकिल देख रहे हैं ये डी साइकिल है। तो साइकिल्स का अलग अलग नाम होता है उनके शेप के अकॉर्डिंग। तो ये डी शेप में है तो इसको हम डी साइकिल बोलते हैं। अगर ये बॉस शेप में होता है तो इसको बॉस साइकिल बोलते हैं। तो ये डी साइकिल है। लिफ्टिंग टूल के बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को ये रहता है कि इसका लोड लिमिट क्या होगा। कोई भी स्लिंग है या साइकिल है तो ये कितना लिफ्ट कर पाएगा, सबसे ज़्यादा लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो किसी भी लिफ्टिंग टूल पे ये क्लियरली मेंशन होता है कि कितना वो लोड लिफ्ट कर सकता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं डी साइकिल पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है WLL 9.5 टन, यानी इसका वर्क लोड लिमिट 9.5 टन है, यानी ये मैक्सिमम 9.5 टन तक लिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे ही किसी भी इक्विपमेंट में, वो आपका स्लिंग हो या डी साइकिल हो, कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है सब पे मेंशन रहता है। तो आइए इस पे कुछ और सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। डी साइकिल के टॉप में यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा रहता है, जो भी कंपनी से मैन्युफैक्चर किया है उसका नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फरिट्रो करके एक मैन्युफैक्चरर है जो कि इसका नाम यहाँ मेंशन है। अपोजिट साइड में इसका बैच नंबर दिया रहता है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका पिन है, इसे हम पिन बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है जिसमें पिन फिक्स होता है इसको ईयर बोलते हैं। और ये देख सकते हैं राउंड शेप में, इसको हम शोल्डर बोलते हैं। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। इसको बॉ बोलते हैं अगर बॉ शेप में है तो, अगर डी शेप में है तो इसको डी साइकिल बोलते हैं, ये पूरा सेट को। अब जानते हैं कि अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे इसका, इसको अगर चेक करते हैं तो क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहला है किसी भी पार्ट में अगर क्रैक है आपका, मैक्सिमम क्रैक यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोड पड़ता है, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होता है। तो अगर कहीं पे इस तरह का कुछ क्रैक है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका पिन, अगर इसमें कोई क्रैक है तो इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये जो आप देख पा रहे हैं इसका जो लेंथ देख पा रहे हैं, अगर ये ज़्यादा फैला हुआ है तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये आपका पिन जो है सही से फिक्स नहीं हो रहा है तो भी आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप विजुअल इंस्पेक्शन में देख सकते हैं। क्या आप सेफ्टी इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट हैं या आप सेफ्टी से कोई कोर्स कर रहे हैं? अगर हाँ तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए HSE नोट्स। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ आपको मिलेंगी वो सारी बुक्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जिनको आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो व्हाई टू वेट फॉर, गो एंड डाउनलोड HSE नोट ऐप नाउ।